पराली की 4 करोड़ रुपए की अदायगी लैके पीड़ित किसानों वालों अणमिथे समय के लिए धरना जारी। घनौर के पिंड बघौरा के नेड़े पंजाब बायोमास पावर प्लांट लिमिटेड विखे पराली की 4 करोड़ रुपए की अदायगी लैके गुरप्रीत सिंह मडौली किसान आगू हरिंदर सिंह लाखा सुखचैन सिंह मगर सिंह जसविंदर सिंह मल्लेवाल और रघबीर सिंह मडौली की अगवाई के हेठ दर्जना ही पीड़ित किसानों ने पावर प्लांट के मेन गेट से अणमिथे समय के लिए धरना लाया। पीड़ित किसानों का कहना है कि वह 2015 तो प्लांट के पराली सुट रहे हैं पर पावर प्लांट वालों दर्जना ही किसानों का 4 करोड़ रुपए का बकाया अजे तक खड़ा है जो कि किसानों को नहीं दिता गया। पेमेंट रोकने बावजूद सानू लारे लप्पे ला के 25-25 हज़ार साढ़े होर खर्चवा रहे जिहड़ा कि सारा करजा असी ब्याज से चुकया तो ब्याज तो सानू पैना साढ़े 80 पैसे मिल रहे हल्के दे बहुत ही औखा हो के बहुत ही मशीनरी महंगी खरीद के जिहड़ा ये बायोमास पावर प्लांट घनौर लग्या है जिहदा नाम बघौरे नाल भी जुड़दा है उन्होंने असी महंगी खर्चा करके महंगी मशीनरी खरीद के पराली दित्ती सी जिन्होंने सानू दसंबर 31 दसंबर 17 तक पूरी पेमेंट करनी सी 60% पेमेंट करनी सी 31 मार्च में पूरी पेमेंट करनी सी अजे तक उन्होंने सानू 25% पेमेंट की है कि हुण जून का महीना भी लंघन जा रहा है। इस करके असी प्रशासन नू बेनती करते हैं कि सानू यह जिहड़ी किसानां नू सारी पेमेंट दवाई जाए तो अगों वास्ते असी तां ही इस प्लांट नू चलण देंगे जां इहदे विच पराली इकट्ठी करके देंगे जे सानू पिछली पेमेंट मिलेगी। जे सानू पिछली पेमेंट नहीं मिलती ना असी अगां वास्ते प्लांट चलण देंगे ना असी मशीनां चलावांगे तो फिर मजबूरन किसानां नू पराली नू अग लाउणी पैगी। इहदा असी नहीं इहदा प्रशासन जिम्मेवार होवेगा जां बायोमास। 16 अगस्त में माल जाना बंद कर दिया था और इन्होंने पहले हमें कहा कि आप बैंक से लोन नू लो और यहाँ पर जो गरीब किसान है जिनको पराली की पेमेंट जल्दी चाहिए होती है आप उनसे 5-6 रुपये कॉन्ट्रैक्ट ले लिया करो और उनकी पेमेंट कर दिया करो। हमने सन 2016 में और 15 में उन किसानों को यहाँ आकर पेमेंट करी और उसके बाद इनका हमारे साथ वादा था कि हम आपको हफ्ते बाद पेमेंट दे देंगे जिसके परचेज ऑर्डर भी हमारे पास पड़े हैं और उसके बाद आज पता नहीं कितने हफ्ते चले गए 2 साल से हम यहाँ चक्कर मार रहे हैं। मेरे 11 लाख रुपये खड़े हैं और मेरे एक दूसरे साथी हैं मनीरपुरी उनके 35 लाख रुपये खड़े हैं और हमने 2016 में यहाँ पर किसानों को आकर मंडी वापसी और पराली की पेमेंट करी जिसके ऊपर आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। हम SHO साहब के पास भी गए थे और जनवरी के अंदर दरख्वास्त दी थी तब उस समय कंपनी के मैनेजमेंट ने बोला था कि आपको 4 महीने के अंदर 25% करके पैसे दे दिए जाएंगे लेकिन उसके ऊपर भी इन्होंने कोई अमल नहीं करा।